हे फ्रेंड्स, फाइनली रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म शमशेरा को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज कर दिया गया है और पूरे इंडिया में इसे 4000 से भी ज्यादा स्क्रीन्स मिले हैं। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी, रिव्यू और कास्ट की। तो दोस्तों, ये फिल्म एंटरटेनमेंट और ड्रामा का फुल पैकेज है, जिसमें कॉमेडी है, एक्शन है, इमोशंस है और सस्पेंस भी भरपूर है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेलर में आपने सिर्फ एक झलक देखी थी, क्योंकि फिल्म में कई ऐसे बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलने वाले हैं जो आपका दिमाग घुमा देंगे। फिल्म की कहानी की बात की जाए तो इसमें 1800 के समय की कहानी बताई गई है कि कैसे अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों के खिलाफ यूज करने के लिए डिवाइड एंड रूल का गेम खेलते थे। और फिल्म में रणबीर कपूर का बाप बेटे वाला रोल आपको इमोशनल कर सकता है। यानी कुल मिलाकर फिल्म की कहानी आपको बोर होने का बिल्कुल भी मौका नहीं देगी और आप फुल मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। अब अगर फिल्म के कास्ट की बात करें तो रणबीर कपूर ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि किसी भी किरदार में जान डालने के लिए उनका नाम ही काफी है। आरके ने अपने दोनों ही रोल्स को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई किया है। बात करें वाणी कपूर की, तो अगर मेरी तरह आपको भी लग रहा था फिल्म का ट्रेलर देखकर कि वो कुछ खास कमाल नहीं दिखाने वाली, तो फिल्म देखने के बाद आपका नजरिया पूरी तरह बदलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, वाणी कपूर का रोल बहुत ही खास है इस फिल्म में और उनका लुक भी काबिले तारीफ है। अब बात करते हैं संजू बाबा की, तो दोस्तों फिल्म देखने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि यही एक शख्स है जिसने रणबीर को हीरो होने के बाद भी पीछे छोड़ दिया। रणबीर से ज्यादा इंटरेस्टिंग रोल आपको संजू बाबा का लगेगा। अब रोल भले ही नेगेटिव हो, लेकिन उसके बाद भी बाबा के लुक्स और एक्टिंग के कायल हो जाएंगे आप। इसके अलावा फिल्म में आशुतोष राणा जैसे मंझे हुए कलाकार हैं, जो लीड में तो नहीं, लेकिन उनके बिना लीड भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकते। यानी कुल मिलाकर कास्ट ने काफी मेहनत की और अपने रोल्स के साथ जस्टिफाई किया है। बता दो दोस्तों कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने, जिन्होंने अग्निपथ जैसे हिट फिल्म भी बनाई थी, तो फिल्म का म्यूजिक और सीन्स तो जबरदस्त होने ही थे। इस फिल्म को देखते हुए कुछ सेकंड्स के लिए आप 1800 के दशक में जा पहुंचेंगे, क्योंकि फिल्म में सीन्स के साथ साथ ऐसे डायलॉग्स को भी रखा गया है जो आपको रियल वाला फील दे सकते हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ में आपको ज्यादातर कॉमेडी और ड्रामा देखने को मिलेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में आपको एक्शन और इमोशंस का मिक्सचर भी देखने को मिलेगा, जिसे आप फुल्ली एंजॉय करेंगे। हो सकता है कि आप इमोशनल भी हो जाएं। अब हालांकि अगर आप इस फिल्म को KGF और पुष्पा की तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बता दो कि ये फिल्म उनसे बहुत अलग है, वो फील आपको इस फिल्म में नहीं मिलने वाला। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, जब फिल्म OTT पर आएगी तो देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप सिनेमा लवर हैं तो जरूर जाकर देखिए और इसे बहुत एंजॉय करेंगे। सो हमें तो ये फिल्म काफी पसंद आई और हमारी तरफ से फिल्म को 5 में से मिलेंगे 4 पॉइंट्स। एक नेगेटिव पॉइंट्स इसलिए कि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो गया है, बाकी फुल एंटरटेनमेंट का बड़ा पैकेट है ये फिल्म। ये हमारा रिव्यू था। अगर आप इस फिल्म को देखने के लिए जाते हैं तो अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल लेट्स गॉसिप को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिएगा।